नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि बिना किसी प्रॉब्लम के कोर्ट मैरिज कैसे करें, कंप्लीट कोर्ट मैरिज प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन इंडिया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कोर्ट मैरिज, अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है और आपके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही होती है और वाकई में प्रॉब्लम क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है, सही प्रोसेस से मैरिज ना हो तो क्या करेंगे। पहला डर, सही प्रोसेस से ही मैरिज नहीं होगा तो करेंगे क्या, ये टेंशन दिमाग में रहता है। दूसरा, कहीं मेरे साथ चीटिंग या फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तीसरा, मैरिज तो कर लिया, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, लड़की वाले मारेंगे डांटेंगे पीटेंगे तो कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। चौथा डर होता है, जो पैसे बताए हैं उससे अधिक पैसे तो नहीं लग जाएंगे, अधिक पैसे लग जाएंगे तो क्या करेंगे, ये चौथा डर है। पांचवा डर ये कि अगर होटल में जा रहे हैं तो ठहरना भी पड़ेगा होटल में, बाहर जा रहे हैं शादी करने के लिए तो होटल में ठहर गए और पुलिस आ गई तो कैसे बचेंगे। और एक और डर होता है कि FIR ना हो जाए, सबसे बड़ा डर होता है कि मैरिज तो कर लेंगे और उसके बाद से FIR अगर हो गया तो क्या करेंगे। तो ये डर है। अब मैं इस डर का समाधान बता रहा हूं कि इन डर से आप बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला डर आपका क्या है कि सही प्रोसेस से मैरिज ना हो तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लीड इंडिया में, अगर आप लीड इंडिया की बात करें तो आपको इसमें बिल्कुल डरने या घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारा लंबा अनुभव है और हमारी जो वेबसाइट है leadindia.law है उस पर सब कुछ मौजूद है। आप अपनी फीस आपने कितना पे किया है, कौन काम कर रहा है आपके फाइल पे, क्या काम हो रहा है, कितने टाइम में काम हो जाएगा, पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉयर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहीं पे आप पूछ सकते हैं। ये डेटा ऐसा होता है जो बिल्कुल प्राइवेट होता है, किसी को पता नहीं चलता है, आप केवल अपने यूजर आईडी पासवर्ड से खोल सकते हैं। तो आज ही leadindia.law पर विजिट करके एक बार देखिए और समझिए, अगर आप समझेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज कि प्रोसेस होता क्या है, तो प्रोसेस तो आपको मालूम ही होगा, कई वीडियोस में मैंने बताया कि पहले मैरिज हो जाएगा, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये सर्टिफिकेट 4 से 5 घंटे में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको अगर इस वजह से डर रहे हैं कि सही प्रोसेस से मैरिज ना हो तो क्या होगा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लीड इंडिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। दूसरा टॉपिक है चीटिंग और फ्रॉड का डर। देखिए, चीटिंग और फ्रॉड कब हो सकता है, जब आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। जब आप वेरीफाई ही नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है चीटिंग एंड फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं तो एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सबको चेक कर सकते हैं, तो इसलिए ये डर भी नहीं है। तीसरा है प्रोटेक्शन की चिंता। प्रोटेक्शन, अगर मान लीजिए जब कभी भी कोई कपल शादी करते हैं तो प्रोटेक्शन एक सबसे बड़ी चिंता होती है। अब होता यह है कि आपने लीगली शादी तो कर ली है, लीगली शादी करने के बाद भी पुलिस वाले पैसे लेकर के परेशान करते हैं। अब उसका हल क्या है, किस प्रकार से हम उससे बचाएं ताकि पुलिस वाले ने अगर पैसे ले भी लिए हो तो आपको परेशान ना करें। तो दो समाधान मैंने अपने अनेक वीडियो में बताया है, एक है पब्लिकेशन और दूसरा है इंटीमेशन। पब्लिकेशन क्यों कराते हैं, पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में कराया जाता है। लीड इंडिया एक सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर है, पब्लिकली नहीं जाता, केवल सब्सक्राइबर के पास जाता है, लेकिन नेशनल न्यूज़पेपर है। अगर इसमें आपके शादी की खबर प्रकाशित हो जाए तो पुलिस जो ये एलिगेशन लगाती है कि आपने प्राइवेटली कहीं भाग के कहीं जाके आपने शादी कर लिया, हम इस शादी को नहीं मानते हैं, हम जांच करेंगे और जांच होने तक आपको अलग रहना पड़ेगा। इस डर की वजह से, इस भय की वजह से कई बार पुलिस एक सहारा लेती है, इलीगल या इलॉजिकल बातें करती है और परेशान करती है। लेकिन जैसे ही आप बताते हैं कि आपकी शादी की खबर अखबार में भी आया हुआ है, पुलिस डरती है और डर करके हाथ नहीं डालती, परेशान नहीं करती, इलीगल काम नहीं करती। तो ये एक सबसे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है पब्लिकेशन से। और दूसरा चीज है इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन का मतलब ये होता है कि आपने शादी किया और शादी की सूचना आपने घर पर भेज दिया, थाने में भेज दिया, SP ऑफिस को भेज दिया। अगर आप घर पे नहीं चाहते तो केवल थाने और SP ऑफिस में भेज दिया। इंटीमेशन भेजने से ये होता है कि वो डाक से भेजा जाता है, स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है, पुलिस वाले को इंटीमेशन मिल गया, उनको रिसीव करना ही पड़ता है। कल को वो ये आरोप नहीं लगा सकते कि हमें जानकारी नहीं थी कि आपने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, इसीलिए हमने आपके ऊपर रेप का, किडनैपिंग का,
ये सारे चार्जेस लगा के FIR कर दिया, और एक बार FIR हो जाए तो उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर वो आपने इंटीमेशन भिजवा दिया है तो वो डरेंगे और वो FIR नहीं लिखवा सकते हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है जिसमें इंटीमेशन भिजवाए थे, कर्नाटक की एक लड़की ने इंटीमेशन लेटर भिजवा दिया था दिल्ली रहते हुए और कहा था कि मैं नहीं जाना चाहती वहां पे, और फिर भी पुलिस परेशान कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट सीधे चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिला था कि अगर उसने इंफॉर्मेशन दे दिया, अगर मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया तो उसको लेके जबरदस्ती जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इंटीमेशन लेटर एक बहुत ही मजबूत हथियार होता है अगर आपके खिलाफ कोई FIR हो रहा है तो उससे बचने के लिए या FIR को रोकने के लिए। अब अगला पॉइंट, जैसा मैंने बताया कि अधिक पैसे ना लग जाए। देखिए, फिक्स फी अगर कहीं पर भी हो तो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जैसे अगर आपने फोन किया और आपको फीस बताया गया कि भाई एक अमाउंट फीस है, मान लीजिए 1 रुपया, 10 रुपया, जो भी फीस है ये फीस है, आप दसियों बार फोन करो और हर बार वही फीस बताया जाए तो क्रेडिबिलिटी तो है भाई, इसका मतलब यह कि वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर वही आप कहीं और फोन कर रहे हैं, आपने फोन किया 10 रुपया, आपने रिक्वेस्ट किया बहुत ज्यादा है और अगले आदमी ने कहा कि नहीं आप 8 रुपये में कर सकते हो, 7 रुपये में कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि ना तो उसको अपने फीस पे भरोसा है ना खुद पे भरोसा है, और ऐसे लोग केवल ग्राहक या किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए कम फीस करते रहते हैं, बार्गेनिंग करते रहते हैं ताकि आप आओ, और इनका ईमान धर्म नहीं होता। तो जहां कहीं भी फीस बिल्कुल फिक्स हो वो आप समझिए कि सही होता है। लीड इंडिया के पास बिल्कुल फिक्स फीस है, दसियों बार आप फोन करेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, अलग अलग नाम से भी बात करेंगे तो फीस एक ही बताया जाएगा, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ी ताकत है और अधिक पैसा लगने का सवाल ही नहीं उठता। और एक और बात मैं बता दूं कि फीस को ऑनलाइन वेरीफाई करने की भी सुविधा होती है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला, होटल में पुलिस ना आ जाए। अब मैं आपको बता दूं कि होटल में पुलिस आने को तो आ सकती है, लेकिन अगर पहले से आपको ठीक तरीके से गाइड किया गया हो कि आप कौन से होटल में ठहरे, आप होटल में ठहरे तो क्या प्रिकॉशंस लें ये भी आपको बताया गया हो, और अगर फिर भी पुलिस आ जाए और आपके पास पर्सनल नंबर हो मेरा एडवोकेट का जिससे कि आप कॉल कर सकें, बात कर सकें, तो आपको उस समस्या से भी उसी वक्त निकाला जा सकता है। अमूमन मेरे इतने साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई कपल होटल में हो और उसको पुलिस पकड़ के लेके चली जाए, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। और लास्ट है कि FIR ना हो जाए तो इससे क्या तरीका है बचने का। अगर FIR हो जाएगा तो उसको क्वैश कराना पड़ता है, खारिज कराना पड़ता है, रद्द कराना पड़ता है, और ये पूरे हाईकोर्ट, जहां जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, जिस स्टेट का एड्रेस आपके आधार कार्ड में है, उसी स्टेट के हाईकोर्ट से रद्द होता है। अब अगर आपने हमारे थ्रू किया है तो हम ये तो नहीं बोल सकते अब जाओ आप समझो क्योंकि हम तो वहां पे सर्विस देते नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारे थ्रू मैरिज किया है तो इंडिया के सभी हाई कोर्ट के अंदर हमारे एसोसिएट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, FIR को क्वैश करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया है ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो कपल जिनका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो सही तरीके से पॉइंट वाइज समझ जाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई क्या गलत चीज हो सकता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये बनाने के मकसद से किया है। इसमें मैंने अपने बारे में बताया क्योंकि मैं अपने बारे में ही बता सकता हूं, इसका मकसद प्रमोशन करना नहीं है बल्कि आपको एक सही जानकारी देना है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि मैरिज करने का सही प्रोसेस क्या है। तो मैरिज का सही प्रोसीजर और जो प्रोसेस है, जो इस वीडियो का टॉपिक है, वो ये है कि दोस्तों, आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, यानी कि आपके पास आपका आधार कार्ड, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे 10वीं का मार्कशीट हो गया या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये होना जरूरी है। आपके पास आईडी के लिए, आपके पास पैन कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी जो एक आईडी प्रूफ के तौर पे माना जाता है, गवर्नमेंट का दिया हुआ कोई आई कार्ड होता है, वो वैलिड होता है मैरिज करने के लिए। और अगर डॉक्यूमेंट की कमी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करिए, वो भी समझा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को देख के बता सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है,
की आपकी बुकिंग हो जाती है। बुकिंग के बाद से जो भी डेट आपको मिलता है, आप उस डेट पे अगर मैरिज के लिए आ जाते हैं तो उसी दिन आपकी मैरिज हो जाएगी, उसी दिन कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और दोनों सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। अगर इनकेस आप नहीं आ पाते हैं तो आप डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए दोबारा बुकिंग करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये मैरिज आप चाहें तो दिल्ली से कर सकते हैं, गाजियाबाद से कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं या पुणे से कर सकते हैं। तीनों जगह से कोर्ट वेडिंग, मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट से जो वैलिड सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको मिलेगा और आप आसानी से पूरे मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।